एनडीपी लीडर जगमीत सिंह मुड़ किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। अजिहा इसलिए क्योंकि कैनेडा दियां मिड टर्म इलैक्शन च ट्रूडो की लिबरल पार्टी की जित जरूर हुई है, पर बहुमत के पेच हाले भी फसया होया। मध्यवर्ती चोण करवाउण दा फैसला जस्टिन ट्रूडो दे लई फायदे दा नहीं रहा। कैनेडा की संसद दे विच कुल 338 सीटां ने, बहुमत दे लई 170 सीटां जितण दी जरूरत पैंदी है, पर चोण नतीजियां मुताबिक किसी भी पार्टी नूं बहुमत नहीं मिलिया। लिबरल पार्टी 158, कंजरवेटिव पार्टी 119, ब्लॉक क्यूबिकॉस पार्टी 34, एनडीपी 25 और ग्रीन पार्टी 2 सीटां मिली ने। इतने झटका जस्टिन ट्रूडो ही लगे। लिबरल की मुख्य विरोधी पार्टी कंजरवेटिव ने ट्रूडो सख्त टक्कर दिती, पर वह भी इस बार पिछड़ गई। इस बार चोण मैदान 338 सीटां दे लई चोण मैदान 1700 उम्मीदवार सन। 47 उम्मीदवार पंजाबी सी। लिबरल पार्टी, कंजरवेटिव पार्टी, एनडीपी हर पार्टी ने 336 सीटां ते उम्मीदवार सी। पीपल्स पार्टी ऑफ कैनेडा के करीब 330 ते ग्रीन पार्टी के 256 उम्मीदवार चोण मैदान दे विच सन। साल 2019 दीआं चोणां दे विच कोई भी पार्टी बहुमत हासिल ना कर सकी। लिबरल पार्टी 157, कंजरवेटिव पार्टी 121, ब्लॉक क्यूबिकस पार्टी 32, एनडीपी 24 ते ग्रीन पार्टी 3 सीटां ते ही सिमट गई सी। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने जस्टिन ट्रूडो की पार्टी लिबरल नूं सरकार बनाउण दे विच मदद की सी। एनडीपी लीडर जगमीत सिंह ने जस्टिन ट्रूडो नूं 13 सीटां दा समर्थन दिता सी। नतीजा साल 2019 दे विच ट्रूडो की लिबरल पार्टी ने जगमीत सिंह की पार्टी एनडीपी दे सहयोग दे नाल सरकार बनाई सी। 15 अगस्त 2021 नूं जस्टिन ट्रूडो ने मध्यवर्ती चोणां दा ऐलान किया सी। टीचा सी कि बहुमत हासिल किया जाए। ट्रूडो के इस ऐलान उत्ते एनडीपी लीडर जगमीत सिंह ने इतराज जताया सी। जगमीत सिंह ने कहा सी कि जदों वह लोक हित दे नाल जुड़े मुद्दों उत्ते ट्रूडो सरकार नूं समर्थन दे रहे हैं, फिर करोना काल दे विच ट्रूडो सरकार नूं मुड़ चोणां करवाउण तों बचना चाहिए, क्योंकि इस दे नाल लोकां उत्ते होर बोझ आवेगा। पर जस्टिन ट्रूडो ने जगमीत सिंह की अपील नूं दरकिनार किया। अजिहे च हुण सवाल उठता है कि जगमीत सिंह की पार्टी एनडीपी जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी नूं समर्थन देवेगी जां फिर नहीं। इस सब दे विच साल 2019 अते 2021 दे चोण नतीजियां दे मुकाबले साल 2015 च ट्रूडो दी लिबरल पार्टी नूं बहुमत मिलिया सी। जस्टिन ट्रूडो ने साल 2015 च अपने दम उत्ते जित दा झंडा कढ़िया। एनडीपी लीडर जगमीत सिंह समेत कुल 17 पंजाबियां ने इन्हां चोणां च जित हासिल कीती है। एनडीपी लीडर जगमीत सिंह बर्नवी साउथ तों जिते ने। हरजीत सिंह सज्जन वैनकूवर साउथ तों जिते ने। सोनिया सिद्धू ब्रैम्पटन साउथ तों जिते ने। मनिंदर सिद्धू ब्रैम्पटन ईस्ट तों जिते ने। इकविंदर गहीर मिसीसागा माल्टन तों जिते ने। रूबी सहोता ब्रैम्पटन नॉर्थ तों जिते ने। कमल खैरा ब्रैम्पटन वैस्ट तों जिते ने। अनीता आनंद ओकविल तों जिते ने। वरदीश चगर वाटरलू तों जिते ने। सुख धालीवाल ने सनी न्यूटन तो जित हासिल की है। रणदीप सराय सरी सेंटर तो जिते ने। परम बैंस टिवस्टन रिचमंड ईस्ट तो जिते ने। जॉर्ज चाहल कैलगरी स्काई व्यू तो जिते ने। जसराज सिंह हलन कैलगरी फॉरेस्ट लॉन तो जिते ने। टिम उपल एडमिंटन मिलवुड्स तो जिते ने। अंजू ढिल्लो डोरवाल लैचिन तो जिते ने। कैनेडा दियां फैडरल चोणां च इस बार 47 पंजाबी अपनी किस्मत अजमा रहे सन। इन्हां चों 20 तों वध औरतां शामिल सन। कई हलकियां दे विच इक धिर दे पंजाबी उम्मीदवार की टक्कर दूजे पंजाबी उम्मीदवार दे नाल ही सी। हालांकि जित फिर भी पंजाबी उम्मीदवार की हुई है। उम्मीदवारां दी अंतिम सूची दे विच सब तों वध पंजाबी मूल दे उम्मीदवार लिबरल पार्टी दे ही सन। लिबरल पार्टी दे 17 पंजाबी उम्मीदवार सन। कंजरवेटिव पार्टी के 13 पंजाबी उम्मीदवार। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के 10 पंजाबी उम्मीदवार।
ਅਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 5 ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸੱਚ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਝੂਠ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੇਤਾ ਕੈਸਾ ਹੋਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਜਗਵਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ।